आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी, हम बनेंगे आपकी आवाज। मेरी फैमिली कांग्रेस फॉलोवर रही है हमेशा से। मैं बड़ी हुई हूँ उनके बारे में सुनते सुनते, अपने परिवार में, अपने घर में, मेरे फादर, मेरी मम्मी, मेरे चाचा, मेरे दादा, एवरीबॉडी, यू नो, बिग फॉलोवर ऑफ इंदिरा गांधी मैम एंड राजीव गांधी सर एंड सोनिया गांधी मैम। सो इतने जब आप बड़े होते हो वही सोचकर, फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जिस तरीके का काम करते हैं, वो जिस तरीके की उनकी सोच है, मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। जिस तरीके से अभी भी प्रियंका मैम ने अनाउंस किया है यूपी में कि 40% सीट्स औरतों को दी जाएगी, ये चीज़ इतनी इंस्पायर की। वो जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये चीज़ मुझे इंस्पायर करती है। आप सब ने देखा ही होगा, मैंने हमेशा औरतों के लिए आवाज़ उठाई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में मैंने भी एक्सपीरियंस की है। डोमेस्टिक वायलेंस को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो एक ऐसी औरत के साथ मिलकर क्यों ना काम करूँ जो खुद औरतों के लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रही है। सो यस, हमेशा से चाहती थी और आज उस सोच पर मुझे इतना गर्व है कि मैं जिस पार्टी को मेरी फैमिली फॉलो करती थी वो इतना अच्छा काम करी है कि मैं वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि मैं उन्हीं के साथ काम करूं। वो सोच बदली नहीं, यू नो, जाती तो मैं एक ऐसी पार्टी में भी जाती जहां जो पावर में है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, डूइंग फॉर द वुमेन ऑफ दिस कंट्री, यू नो। सो यस, कांग्रेस पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को सीमित नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, इस एंगल में मैं बहुत काम करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, मैं जेन्युइनली करना चाहती हूँ। ये जैसे हर कोई कहता है कहने के लिए लाइन, ऐसे मुझे दी नहीं।